साइफन के आज के एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन मैं पहन लेता हूँ क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट लगूंगा. ओके, क्या मैं साइंटिस्ट लग रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा निकल गया. ओके, वो जलने वाली है मैच मैच. ज्यादा बना है, हमने हालांकि थोड़ी रखी थी. ओके, सो हियर वी गो. आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि गैसेस की डेंसिटीज क्या होती हैं. आप जानते हैं डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ये फैसला करती है कि कोई चीज भारी होगी या हल्की होगी. इससे पहले भी हमने डेंसिटी वाला एक एक्सपेरिमेंट किया है जो कि आप साइफन की वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हमने देखा था, जिसमें हमने अलग अलग डेंसिटी वाले लिक्विड्स बनाए थे अलग अलग कलर्स में, और जो ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड था वो नीचे बैठ गया था और जो कम डेंसिटी वाला लिक्विड था वो ऊपर था. आज हम सोच रहे थे, आज हम करेंगे गैसेस की डेंसिटी के बारे में. ये बात जरा अजीब है कि क्या गैसेस जो कि हमें नजर नहीं आती, जिनको हम महसूस नहीं कर सकते, क्या इनकी भी अलग अलग डेंसिटी होती है? जो गैस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जिससे हम सांस लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? हवा. हवा यानी कि एयर. उस हवा और एयर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसेस होती हैं. नंबर वन उसमें होता है ऑक्सीजन, नंबर टू उसमें होता है नाइट्रोजन, और तीसरी गैस जो उसमें होती है मशहूर, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. हम सबको सांस लेने के लिए कौन सी वाली गैस चाहिए? ऑक्सीजन. अब हम एक ऐसा तजर्बा करेंगे कि हम कोई गैस बनाएंगे, लेकिन हम एक ऐसी गैस बनाएंगे जिसको हम देख सकते हो, ताकि हमें पता लगे कि वो हवा से भारी है या वो हवा से हल्की है. जो गैस हम बनाएंगे अगर वो हवा से भारी होगी तो वो नीचे बैठेगी, और अगर वो हवा से हल्की होगी तो ऊपर जाएगी. इसकी वजह से हम वो बात भी समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ बैलून्स में जब हम हवा भरते हैं, एक खास किस्म की हवा भरते हैं, तो वो बैलून्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं. आपने देखा था गैस वाले बैलून्स? yes. जिन्हें क्या कहते हैं? गैसी गुब्बारे, गैस वाले बैलून्स. वो ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी गैस भरते हैं जिसकी डेंसिटी हवा से कम होती है, इसलिए वो हवा में ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं. अगर उनके अंदर हम एक ऐसी गैस भरें जिसकी डेंसिटी हवा के जितनी हो या हवा से ज्यादा हो, तो फिर वो बैलून कहाँ जाएगा? वो जमीन पे रहेगा. इसका मतलब ये हुआ जिस बैलून को हम खुद बुलाते हैं, खुद फुलाते हैं, वो वाला बैलून ऊपर नहीं जाएगा. और अब हम जो गैस बनाएंगे अपने एक्सपेरिमेंट में, साइफन के एक्सपेरिमेंट में, उस गैस की डेंसिटी हवा से ज्यादा होगी, और मजे की बात यह है कि वो वाली गैस हम अपनी आंखों से देख भी पाएंगे. सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करें तो आपके पास कोई बड़ा मौजूद होना चाहिए या कोई टीचर मौजूद होना चाहिए, यानी कि नेवर ट्राई दिस एट होम. साइफन के आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सिर्फ तीन चीजें चाहिए. हमें कोई पेपर चाहिए, लेकिन याद रखें ये जलेगा, हमें एक जलाने के लिए पेपर चाहिए. दूसरी बात, हमें माचिस चाहिए, और तीसरी बात, इस जो गैस बनेगी उस गैस को इकट्ठा करने के लिए हमें एक ग्लास चाहिए. तो ठीक है, इसमें हम अपनी गैस को इकट्ठा करेंगे, और ये शीशे का मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम इसके अंदर अच्छे से देख पाएंगे, हम अच्छे से देख सकेंगे गैस को इकट्ठा होते. ऑल सेट, ये माचिस की थी. ठीक है, तो मैं इस पेज के ऊपर जा रहा हूँ ऐसे करके. ठीक है, दिस इज माचिस. इस पेज और उसके बाद हम इसको फोल्ड कर. ठीक है, लाइक ए कोन, और ऐसे. और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये ऊपर से. ठीक है, जस्ट लाइक. अब हम इसको यहाँ से फायर लगाएंगे, हम जलाएंगे, और यहाँ से गैस निकलेगी, और उस गैस को हम इस ग्लास के अंदर इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये गैस पानी से, हवा से भारी है या हवा से हल्की है. गिरा के देखेंगे, दूसरे वाले ग्लास में उंडेल के देखेंगे. ऑल सेट, शुरू करें. Yes. So, never try this at home. So, क्या करेंगे? Never try this at home. Okay. वो निकल गई पूरी. Oh my god. ये बन गई है हमारी, ये बन गई है हमारी गैस. ये फायर का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ध्यान से करेंगे. ठीक है, मुझे बताओ ये हवा से भारी है कि हल्की है? भारी है. आपको कैसे पता लगा भारी है? क्योंकि वो नीचे आ रही है. नीचे आ रही है, शाबाश. अगर मैं हम इसको उंडेलें टेबल के ऊपर, तो ये टेबल पे गिरेगी? ग्लास में, ग्लास में. चलो अभी कौन कौन करेगा? और ये गैस का शरबत. आधा शरबत तो गिरा दिया. ठीक है,
पहले खुल गया था साइड से नीचे से 3, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी गैस इकट्ठी। नहीं नहीं कोई हाथ नहीं लगाएगा, बड़ी सारी निकल जाएगी। क्या ये गैस हवा से भारी है? यस। तो जैसे को लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह गिरता है, वैसे ये गैस भी एक जगह से दूसरी जगह गिरता है। ठीक है, स्लो स्लो। अभी भी मिल करना। ओके, अब ये जो यहाँ पर गैस बनती है ना, दरअसल ये गैस माचिस के जलने से बनती है। जब माचिस जलती है तो उसमें जो माचिस के सिरे पे लगा होता है ना रेड कलर का, ये व्हाइट कलर का, इसको सल्फर बोलते हैं। जब ये जलती है, हाँ इसको सल्फर बोलते हैं। ये जब ये जलती है ना तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। वो पानी से भारी होती है, हवा से भारी होती है। इसी तरह वो या ये जो लकड़ी जलती है तो उससे भी एक गैस बनती है, और वो जो है उस गैस को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो भी हवा से भारी होती है, इसलिए आपने जो देखा धुआं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मिलकर बना हुआ था, और वो हवा से भारी था इसलिए वो नीचे आता है और वो एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है। जैसा एक पानी को हम उंडेल सकते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन से, इसना इसको भी उंडेल सकते हैं। ओके, साइंस को सीखते रहें, साइंस को एंजॉय करते रहें। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। साइफन, बाय बाय।